एनडी से जहानाबाद के जेडीयू प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने नामांकन किया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष व डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा समेत एनडीए के कई बड़े नेता शामिल हुए। वहीं नॉमिनेशन के बाद आयोजित चुनावी जनसभा में एनडीए के नेताओं ने लालू फैमिली पर जमकर हमला बोला। लोकसभा क्षेत्र के सातवें चरण का नामांकन शुरू हो गया है, जो 14 मई तक चलेगा। प्रत्याशी 7 मई से ही अपना नामांकन कर रहे हैं। गुरुवार को जहानाबाद सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने नामांकन का पर्चा भरा, जिसके बाद जहानाबाद के गांधी मैदान में आयोजित एक जनसभा में शामिल हुए। बिहार के दोनों डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी समेत एनडीए के कई बड़े नेता भी मंच पर मौजूद थे। इस मौके पर सभी नेताओं ने जेडीयू प्रत्याशी चंदेश्वर चंद्रवंशी के पक्ष में जहानाबाद की जनता से वोट मांगे और पीएम मोदी के हाथों को मजबूत करने की अपील की। महागठबंधन से राजद प्रत्याशी सुरेंद्र प्रसाद यादव पर हमला करते हुए डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि एक तरफ साफ सुथरे प्रत्याशी एनडीए से हैं, तो दूसरी तरफ कई कांडों का अभियुक्त को आरजेडी ने प्रत्याशी बनाया है। यदि वैसे प्रत्याशी को आप लोग वोट देते हैं तो बिहार में एक बार फिर से जंगल राज आ जाएगा, तब लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। वहीं डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने भी लालू परिवार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि तेजस्वी क्रिकेट में क्रिकेटर नहीं था, बल्कि जो खिलाड़ी थे उसके लिए ये मैदान में पानी लेकर जाता था, प्लेयर को पानी पिलाता था। वहीं लालू की बेटी और सारण की राजद प्रत्याशी रोहरी आचार पर भी सम्राट चौधरी ने हमला बोला, कहा कि लालू ने टूरिस्ट प्रत्याशी को सारण में उतार दिया है, जिससे वहाँ की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। सुनिए जहानाबाद में क्या कुछ कहा एनडीए के नेताओं ने। इस सवाल पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भाई सम्राट चौधरी जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, बिहार प्रदेश के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक मेरे के तमाम नौजवान युवा साथियों, आज आप लोगों के बीच एक तीन चरण का मतदान हो चुका है और इस तीन चरण के मतदान के बाद एक बात स्पष्ट है, एक बात तय है कि 4 तारीख को जब ईवीएम मशीन खुलेगी तो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई कोई संदेह नहीं है। पर साथियों, बिहार में प्रगति की वो रफ्तार चला रहे हैं जो पूरी दुनिया और पूरा देश देख रहा है, तो हम तो यही कहें कि बाकी हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे इन्हीं जन शब्दों के साथ। श्री मोदी जी ने इसके प्रति मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, जनता की तरफ से उन्हें बधाई देना चाहता, लेकिन हम कहियो ये बात, एक दुगो उदाहरण दियो, बैरागी वार से लेकर के वो डुडबावर तक के सड़क कौन बनल के हल और बनल के कार हालत कौन है, रहलखिन हल एमपी का कलखिन, हम याद दिलाओ चाहिए। दूसर बात, ये बराबर है मखदुमपुर से बराबर सड़क बनावे ला और नवद्वीप के नह की सड़क के किनारे दोनों बगल जो बत्ती देवे है, दिया बत्ती रोशनी करे है, वो कौन करके है और आज का हालत में है। 5 बीघा मखदुमपुर से 5 बीघा के रोड कौन बनाए के हल, बेला से खीजा सराय रोड कौन बनाए के हल,
और तो और की पनारी के नजदीक में जो फूल बनले हल शिखा में करोड़ों रुपया के घूस लेवे के चलते आज भी चार को पाया दांत निखोर ले है। अगर जितन मांझी चीफ मिनिस्टर न होते हल तो आज तू केली के फूल ना बन तो हल की जाना हो न कोनी साहब फिर सुल्तानपुर के नजदीक में की नालंदा से सब लोग आवा हल्के नदिया में डूब के मर जा थी जीतन मांझी मुख्यमंत्री होले हाल तो वो आज सुल्तानपुर में पुल बना दिल के तो कहे के हमारा मतलब ये है कि एक बार जिनका हम देख करिए है ये जहानाबाद के विकास न करके विनाश कर रहा थी उनका फिर वोट देवे के चाहिए जी ये हम कहने से कहा चाहिए हो तो हम यही कहो कि औसा नागरिक के वोट देवे के जरूरत न है। अब दूसरा तरफ चंदेश्वर चंद्रवंशी थी कुछ लोग कहा थी कि बड़ी कम आवा थी हम वो कहे कि कम आवा थी लेकिन पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में हाथ उठावा कौन है थी चंदेश्वर बाबू न तो हमने के तो चंदेश्वर बाबू के वोट देवे के चाहिए ही वजह से कि जेकर चर्चा अभी चिराग जी कहथुन और उमेश बाबू कहथुन कि भारत के प्रधानमंत्री सौभाग्यवश ऐसा यहाँ हो गए थी ये संसार में हमने के नाम